35 वर्ष की पीड़िता के बयान के आधार पर ज्योतिनगर थाने में रेप और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान के मुताबिक 2011 में इसकी मुलाकात कड़कड़डुमा कोर्ट में अक्यूज्ड इरशाद अली खान अलियास गुड्डू चौधरी से होती है। इनके बीच में दोस्ती बढ़ती है, संबंध स्थापित होते हैं और बाद में 2015 में शादी भी होती है। लेकिन शादी के बाद पीड़िता को पता लगता है कि जिस हिंदू नाम से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो वास्तव में मुस्लिम व्यक्ति है, शादीशुदा है और बच्चों का पिता भी है। ऐसे में जब उसने रजिस्टर करना शुरू किया तो अक्यूज ने, इरशाद अली खान ने उस पर काफ़ी टॉर्चर करना शुरू किया और कठोर निगरानी में रखना शुरू किया। बाद में वो पीड़िता मेरठ में पीजी में जाकर छिपकर रहने लगी और मेरठ पुलिस से भी उसने गुहार लगाई अपने बचाव की। इधर में अक्यूज इरशाद अली खान ने ज्योतिनगर थाने में मिसिंग दर्ज कराई और उसके फिजिकल प्रेजेंस पर जोर देने लगा। स्टेटमेंट्स के आधार पर डिसाइड ये क्लियर हुआ कि वह पीड़िता अपनी मर्जी से उधर गई है। बाद में अक्यूज ने फिर से अपने एडवोकेट होने का फायदा उठाना चाहा और एक कंप्लेंट दी। उसमें एलिगेशन लगाए कि पीड़िता ने उसे दूध में जहर देकर मारने का प्रयास किया है और घर से चोरी डकैती करके भाग निकली है। इंक्वायरी ऑफिसर ने बाद में जब चेक करा पाया कि उसे बाद में पता चला वो भोपाल में मुस्लिम बहुल इलाके में उसे कठोर निगरानी में रखा गया है। इंक्वायरी में कोई कॉपरेशन भी आगे नहीं मिला। परसों की तारीख में जब पीड़िता ज्योतिनगर थाने में आती है और अपने टॉर्चर की दास्तान बताती है, एमएलसी में मल्टीपल इंजरीज का जिक्र हुआ है, एनजीओ की मदद ली गई, पूरी कानूनी प्रक्रिया को अमल में लाया गया और रेप और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिर से इरशाद अली खान जो अक्यूज्ड है उसने अपने एडवोकेट होने का फ़ायदा उठाना चाहा, प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई करने की कोशिश की। ऐसे में हमें अपने अच्छे वकील साथियों को जब यहाँ के बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लिया गया, उन्हें बतलाया गया, सारे तथ्य बतलाए गए और किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया में बाधा नहीं आई।